दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 12 अगस्त सन 2024 सोमवार। दोस्तों स्पाइसेस में यानी मसाले में, चाहे मेथी हो, अजवाइन हो या फिर कलौंजी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काजू, किशमिश, बादाम, केसर, इन सभी पर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम फेनुग्रीक यानी मेथी के ऊपर करेंगे चर्चा। दोस्तों भारत फेनुग्रीक यानी मेथी उत्पादक में अव्वल स्थान रखता है, साथ साथ राजस्थान में सबसे अधिक मेथी का उत्पादन माना जाता है। हम आप चर्चा करेंगे मंडियों में आवक और आज के भाव, और मंडियों में सप्ताह के दौरान क्या भाव रहे। पूरी जानकारी ध्यान से सुने, यदि शो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको हमारी जानकारियां उत्साहवर्धक ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी किसी को फायदा नहीं होता है। फायदा तभी है तब आपको एडवांस में अग्रिम विश्लेषण मिले। दोस्तों हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको हर देश दुनिया की खबर आपको अपडेट करें, लेकिन हर सूचना, हर अपडेट हर बार निशुल्क देना संभव नहीं है। जिससे ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस निशुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकता। दोस्तों विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारा साप्ताहिक अखबार, जिसमें दलहन, तिलहन, मसाला, कपास, इन सभी की देश दुनिया की खबर आपको अपडेट होती है। साथ साथ मंडियों के ताज़ा भाव आपको अपडेट प्रतिदिन व्हाट्सएप पे होते हैं। इसका शुल्क मात्र 3,000 रुपये है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों मेथी के लिए डिमांड और ग्राहकी को देखते हुए इसे अच्छा माना जाना चाहिए। इस साल सामान्य से अधिक बरसात होने से किसानों का माल जल्दी बाहर निकल रहा है और आगामी बुआई अच्छी होने की संभावना बन गई है, लेकिन बुआई का काम रबी सीजन के लिए दिवाली के बाद और नया सीजन मार्च महीने में होता है, इसलिए लगभग 8 महीने का समय अभी बाकी है। गौरतलब है कि आपको फरवरी 2024 कोटा में राजस्थानी स्पाइस एसोसिएशन के मीटिंग के अंदर हमने फेनुग्रीक में तेजी की बात कही थी और वो अक्षत सत्य साबित हुई है। दोस्तों पिछले सप्ताह यदि हम देखें तो कमजोर ग्राहकी में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन मेथी के दामों में और कुछ मामूली गिरावट भी देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश के नीमच मंडी से खबर निकल के आ रही है, सप्ताह के दौरान 6 से 7 हजार बोरी की आवक देखी गई थी और भाव 5200 से 5400 रुपये मीडियम क्वालिटी के बताए गए थे और 5600 से 5600 रुपये मीडियम क्वालिटी और बढ़िया मेथी के दाम 6200 से 6700 रुपये बताए जा रहे थे, और मोटे दाने के भाव तो 6800 से 7000 रुपये की बात कब निकल के आ रही है। जावरा मंडी में लगभग 6000 बोरी की आवक पे हल्का माल 4500 से 4600, एवरेज 5200 से 5400 और मीडियम 5600 से 5800 रहे। बढ़िया क्वालिटी मेथी के दाम 6500 रुपये देखे गए। फाफड़ा क्वालिटी 7200 से 7500 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं और मंदसौर में 2000 बोरी की आवक पर एवरेज भाव 5200 से 5400, मीडियम 5500 से 5700, बढ़िया 6000 से 6700 रुपये के पर भाव पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। अब हम राजस्थान के कोटा, रामगंज मंडी, नोखा और उसके आसपास की छोटी मंडियों को देखें तो लगभग 3000 बोरी की आवक के समाचार मिल रहे हैं और राजस्थान में मेथी के दाम 4800 से 5000, मीडियम 5200 से 5400, बढ़िया 5600 से 5800 और गुजरात में राजकोट से खबर निकल के आ रही है, मंडियों में मेथी की आवक 600 से 700 बोरी की आवक पर एवरेज भाव 4850 से 5750 रहे, मीडियम मेथी के भाव 5850 से 6300 और बढ़िया 6350 से 6750 रुपये पे भाव होने के पर मूल्य होने पर बाजार ट्रेड होने की संभावना ट्रेड होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल के ऊपर सौंफ के ऊपर एक पूरा एपिसोड हमने अपलोड किया है, उस एपिसोड को भी देखना ना भूलें। इसके अतिरिक्त चने के ऊपर आयात, चने का कितना आयात अभी तक हुआ है और किन भावों पे हुआ है और कौन सी कंट्री से हुआ है, ये चैनल पर भी हमने एपिसोड अपलोड किया है, उसको देखना ना भूलें। साथ साथ चने के अंदर के अलावा आपको प्याज,
जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटी के ऊपर भी शो अपलोड है, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। आगे हम आपके लिए कपास, गेहूं, मक्का के ऊपर भी शो लेके आ रहे हैं, उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। दूसरे आपके कोई सुझाव हो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।